हेलो बैकबेंचर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैकबेंचर पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सिद्धांत पढ़ेंगे। जो सिद्धांत थे वो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दो उसमें पढ़ा था हमने, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक के नियम। तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने अनेक प्रयोगों के बाद थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे, जो कि ऐसे हैं कि सीखने के नियम को दो तरीके से, एक तो मुख्य नियम है जो कि 3 है और गौण नियम है जो कि 5 है। के नियम में सबसे पहले हम मुख्य नियम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जब तक तत्पर नहीं होगा किसी काम को करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो हम उसको जबरदस्ती या करके नहीं पढ़ा सकते। तो एक बच्चे में तत्परता का आना बहुत जरूरी है। अब दूसरा है अभ्यास का नियम। आप देखिए, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, जिसमें क्या होता है कि जब बच्चा तत्पर होता है, तो फर्स्ट नियम में पढ़ा कि तत्परता का नियम जो कि बच्चे में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें अभ्यास का नियम, इसमें हम दो नियम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें है उपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम अभ्यास का नियम को 1975 में, अभ्यास का नियम 1975 में हिलकर और बोअर ने दिया था। अब थर्ड नियम है जो कि प्रभाव का नियम, मुख्य नियम का थर्ड नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब हमने नियम देखे हैं, इसमें है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जैसे कि कोई बच्चे को अगर हमें मैथ्स पढ़ानी है, तो जब तक वो पढ़ने के लिए रेडी मतलब तत्पर नहीं होगा, तो वो नहीं पढ़ सकता। और जब वो पढ़ेगा उसको, तो वो उसकी अभ्यास करेगा। तो अभ्यास करने के बाद उस पर एक प्रभाव पड़ेगा उस मैथ्स में, जो भी टॉपिक मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, उसको समझ में आती है मैथ्स, तो वो उससे संतोष होगा। और अगर नहीं पढ़ता है, कोई अच्छा प्रभाव उसको समझ नहीं आता है, तो वो डिस्टर्ब मतलब असंतोष रहेगा। अब हम इनके मुख्य पर नियम कंप्लीट कर लिया, हम गौण नियम देखेंगे। अब हम सीखने के गौण नियम देखेंगे, जिसमें पहला है वन बहु अनुक्रिया का नियम। जैसे कि किसी कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे ही बच्चा भी एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढता है, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें करता है। उसके बाद जो उसको परिणाम मिलता है, जिससे वो संतुष्ट होता है, तो वो उस तरीके से करता है। तो ये नियम बहु अनुक्रिया का नियम। अब दूसरा नियम है मानसिक स्थिति का नियम। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता। तो बच्चे का मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। अगर हम किसी कार्य को एक तो पूर्ण रूप से करते हैं, और अगर हम किसी कार्य को टुकड़ों में करते हैं, आंशिक रूप से करते हैं, तो वो कार्य बच्चे के लिए बहुत आराम से हो सकता है, बहुत ईजी होता है। तो इसलिए आंशिक क्रिया का नियम दिया गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पर सादृश्य अनुक्रिया का नियम। जो बच्चे की परिस्थिति और पूर्व अनुभव होते हैं, वो उससे सीख कर और जो आगे उसको जो प्रॉब्लम्स मिलती है, जो भी मिलती है, वो अपने पूर्व अनुभव, अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको उससे को डील करता है, उससे उसके अनुसार कार्य करता है। तो इस नियम में भी देखते हैं। और लास्ट है सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम। अब लास्ट नियम जो है सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, इसमें बच्चा अपनी जो पुरानी क्षमताएं होती है, मतलब पूर्व क्षमताएं होती है, उनको नई परिस्थितियों में उपयोग करता है। जैसे कि हम पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर हम अगर आगे मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसमें बच्चे को बैलेंस आना सीख जाता है। इसी तरीके से ये सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम है। हम थॉर्नडाइक के नियम की कई और नाम भी हैं, जिन नामों से उसको जाना जाता है, और ये एग्जाम में आते हैं, कई बार घुमा फिरा के आ जाते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एस आर थ्योरी बोलते हैं, जिसमें एस होता है स्टिमुलस, मतलब उत्तेजना, और
और आर रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में एस आर मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों की बात की है, तो इसलिए इसको एस आर थ्योरी भी कहते हैं। अब थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों के अन्य नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत। प्रयास से हमारे ये है कि जब बच्चे को उद्दीपक मतलब कोई स्टिमुलस कोई चीज सही होगी उत्तेजना होगी तभी वो उसके लिए प्रयास करेगा, और प्रयास करने के बाद जब उसको त्रुटि होगी तो वो फिर से उस चीज का प्रयास करेगा। इसीलिए इसका नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत। और आवृत्ति मतलब बार बार करेगा, जब उसको कोई गलती होगी तो वो उसको बार बार दोहराएगा। उद्दीपक अनुक्रिया मतलब ऐसा थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंद सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के नियमों के अन्य नाम है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।